तो भाई लोग क्या हाल चाल है। तो आगे हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई आज है सोमवार मींस मंडे। तो भाई आज हमारा चेस्ट वर्कआउट तो चल रहे हैं हमारे साथ। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अजय भाई को करो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। वीडियो पे बना दो जान दो तू नहीं स्टार्टिंग जब भी। तो भाई देख लो, भाई ने बोल दिया सब्सक्राइब करो, करना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं जिम में, आज है हमारा चेस्ट वर्कआउट। तो आपको मिलते हैं जिम में। ओके बाय बाय। तो भाई अब आ गए हैं अपने जिम में, तो अब चेस्ट का वर्कआउट शुरू करते हैं। तो भाई हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज लाएंगे जिससे आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा पंप हो जाएगी और जिससे आपकी चेस्ट चौड़ी हो जाएगी। तो भाई मैक्सिमम लोग ये करते हैं इस एंगल पे रखे, इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस लगाते हैं, मगर इस लाइन में ज्यादातर आपके शोल्डर पे लोड पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पर रखेंगे ये लेवल, तो इसमें हमने बनाया है डंबल प्रेस। तो भाई इसमें हम बनाएंगे फेलियर सर्कल रहेंगे जिसमें 12-15 निकल जाएंगे। नीचे से वो पढ़ते हैं और इसको चेस्ट में थोड़ा फील करना है, ये यहां पे आके ना थोड़ा सा स्क्वीज करके ये ऐसे। तो इसके हम लगाएंगे फेलियर सर। तो हमारी पहली एक्सरसाइज ये होगी। अगर तो आप इसके लगाओगे सुपर सेट तो आप लगाओगे सिर्फ 3। अगर आपने फेलियर सेट तक लगाने इसका सिंपल वे से तो आप इसके लगाओगे 4 सेट। तो भाई हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी प्लेन बेंच पे डंबल प्रेस। तो वेट आपने उतना ही लेना है जिससे आपके 12-15 रैप हो वजह से मिले। इसमें रहते हैं हमने डंबल को ऊपर करके चेस्ट को उठा के अपना ऐसे और इसको पूरा बोलना है। यहाँ पे एक सेकंड रोकना है, चेस्ट को स्ट्रेच करके फिर नीचे आस्ता आस्ता जाना, ऊपर तेज जा रहा, कोई चक्कर नहीं। तो भाई ये थी हमारी सही एक्सरसाइज। इसमें सुपर सेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सेट लगाओ, 4 लगाओ, फेलियर सेट तक। तो चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज तक। भाई हम आ गए अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, जो हमारा होगा डीप्लेन बेंच रॉड के साथ। और इसमें भी आपने उतना वेट रखना है जितना आपके 12-15 फेलियर रहेंगे। जब तो फेलियर भी जाएगी तब तक आपकी चेस्ट ग्रो नहीं करेगी। ये मैंने 3 महीने में ये चीज़ सीखी थी, मेरे को 6 महीने हो गया वर्कआउट करते। तो 3 महीने में मेरे को इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है फेलियर सेट करते। वही लगाना क्या, इसको लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा वेट पकड़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज पकड़ना है यहाँ से और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर रखना है। लोग क्या करते हैं जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं और नीचे आते फिर यहाँ आ जाते हैं। इसको हमने लोअर चेस्ट पे लगाना होता है, ये यहाँ पर और इसको नीचे टच नहीं कर रहा, ये सेट होगा हमारा। नीचे से लो ऊपर तेज, ये बिल्कुल इसको बैलेंस करके करना है, बिल्कुल आराम ऊपर तेज चल जाएंगे कोई चक्कर नहीं नीचे से। सुपर सेट लगाओगे तो लगाने पड़ेंगे आपको 3, अगर आप इसके फेलियर तक लगाओगे सिंपल सेट तो भाई वो हो गया आपके 4। तो भाई चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पे। चलते हैं तो भाई अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को 6 मंथ हो गया जिम शुरू किए हुए और प्रॉपर डाइट वगैरह ले रहा हूं, बीच में मिस हो जाती है। तो ये जितना भी मैं आपको एक्सरसाइज दूँ ये मैंने अपने ऊपर किया तभी मेरे को रिजल्ट मिला इसका। 3-4 महीने तो भाई मेरे वेस्ट ही किए थे स्टार्टिंग में, मैं खाम खा के 5-7 सेट मारते रहता था एक एक्सरसाइज ये, मगर अभी इतना नहीं करना। तो जो अभी जो मैंने ये फिर जो आपको एक्सरसाइज बता दो इसमें मेरे को 2 महीने में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसको ऐड करो चेस्ट गवर्नमेंट में चेस्ट को बड़ा करने के लिए। तो हमारी एक्सरसाइज आई जाएगी हमारी इस पर प्लेन लेंथ पे रहो। तो भाई इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने कोशिश करनी है कि जितना आप वेट उठवा सकते हो उतना हैवी करके 8 या 10 रैप निकाल देगा। अब जैसे कि इसमें 10-10 पड़ा था मेरे, बाकी ऊपर मैंने मीडियम वेट लगाया, इसमें मैं एक्स्ट्रा 10-10 की जगह और डाल दूंगा। प्लेन बेंच में कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा उठा सको, 8-10 रैप तो मुश्किल से लग रहे थे और इसके 4 सेट लगते हैं, इसका सुपर सेट लगाने की पूरी जरूरत नहीं है। तो लगाइए ऐसे, इसको अपने शोल्डर को लगा के थोड़ा वाइड पकड़ के थोड़ा सा खुला करेंगे
बीच में ऐसे आर्च बनाएंगे और इसको पुल कर देंगे ऐसे। देखिए ये हार गया, नीचे आस्था ऊपर देखिए, मजे मजे से लगा लिया पूरी चस्ट को फील करना है हमें। इसमें हमने क्या करना है, रात को भी चस्ट को टच करवाना है। तो भाई ये थी हमारी चौथी एक्सरसाइज जो थी हमारी मिरर चेस्ट के लिए, कहने का तो मिरर चेस्ट हमारी पूरी चेस्ट हमारी। तो आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी पांचवी है। तो भाई हम आ गए हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज पे। तो हमारी पांचवी एक्सरसाइज होगी केबल के साथ, तो इसको लगाना है कैसे, इसमें हम करेंगे अपनी लोअर और अपर चेस्ट को ट्रेन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मगर हमने यहाँ नहीं लगानी इसको, हमने पूरे एंगल के लाइन में खड़ा होना है, इसको नीचे लेकर आना थोड़ा सा घुमाना से चेस्ट बाहर। इसके थोड़ा तेज भी सेटल होगी कोई चक्कर नहीं, मतलब रेपिटेशन इसकी 15 से अब भी निकाल के हाथ से। तो भाई ये थी हमारी पांचवी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का एक फायदा हमारी चेस्ट में ना फाइबर बहुत बढ़ते हैं, फाइबर वाली एक्सरसाइज है। तो अपने लास्ट एक्सरसाइज पे करते हैं जो हमारी छठी एक्सरसाइज। तो भाई हमारी पांच एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हमारी सिक्स एक्सरसाइज जो बोली हमारी वो हो गई भाई सिंपल पुशअप। चेस्ट के वर्कआउट में हमेशा जब भी आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है 5 डे में मैक्सिमम होती है, चलो 6 भी लगा लो कोई चक्कर नहीं, मगर एंड में पुशअप्स लगाने भी लगाने का फिगर से तक 3। तो भाई पुशअप कोई यहाँ रखते हैं कोई यहाँ कोई यहाँ, मैं आपको बताऊँगा सही जो मेरी चेस्ट को ग्रो करने में मदद की है जिसने वो है ये है भाई, हाथ को शोल्डर से थोड़ा बाहर और हाथ को अंदर की तरफ मोड़ना ऐसे रखे, चेस्ट होगी सामने आस्था जाना और आस्था ये पूरा भाई। इसमें भी भाई आपने फेलियर कर जाना है। तो भाई ये हमारी सिक्स, तो आज का हमारा चेस्ट का वर्कआउट खत्म हो चुका है। तो भाई इसी खुशी में कर दो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी कर दो अपने दोस्त के साथ जो नए नए अब जिनको 3-4 महीने हुए जिम जाए वो जिनकी चेस्ट वर्कआउट में उनको कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है जहाँ की चेस्ट बड़ी नहीं होगी। तो भाई एक वैसे आपको अच्छा कम और साइज गेन करने में हेल्प होगी। तो बाकी अगर भाई आपको डाइट के बारे में कुछ चाहिए तो भाई आप मेरे को कमेंट कर देना इसके कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डाइट का भी बता दूँगा। तो भाई चलते हैं आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।